नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नंदीग्राम के सबसे भीषण संग्राम के लिए आज ममता बनर्जी ने अपना पर्चा भर दिया। ममता बनर्जी ने इमोशनल गार्ड भी खेला और ये कहा कि वो नंदीग्राम के लिए बिल्कुल नहीं है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने उनके बाहरी होने की मुहिम चला रखी है, लेकिन ममता ने कहा कि नंदीग्राम के लिए तो मैंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। बीते 24 घंटे से ममता बनर्जी फुल एक्शन में। इन सब के बीच सबसे अहम तस्वीर ये है जब ममता ने हल्दिया एसडीओ ऑफिस में नंदीग्राम से पर्चा भरा। 10 साल पहले नंदीग्राम आंदोलन से सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बनर्जी अब उसी नंदीग्राम के संग्राम में उतरी है। उनका मुकाबला उस शुभेंदु अधिकारी से है जिन्हें नंदीग्राम आंदोलन का सूत्रधार बताया जाता है। एक तरफ दीदी जहां नामांकन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां पर शुभेंदु अधिकारी पदयात्रा कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की इसमें मौजूदगी है। जय श्री राम के नारे भी यहां पर लगते हुए और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इसके नारे यहां पर कार्यकर्ता बुलंद कर रहे हैं। नंदीग्राम अधिकारी परिवार का गढ़ भी रहा है। ऐसे में ममता ने नंदीग्राम से पर्चा भरने के बाद इमोशनल कार्ड भी खेला। इज नॉट न्यू प्लेस टू मी, तो जब नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था तब नंदीग्राम में जो लोग लड़ रहा था बहुत सारे वीर लीडर है मिदनापुर का, तो वो लोगों ने रास्ता में नहीं निकाला था। लेकिन मिदनापुर का नंदीग्राम में जो प्रोग्राम हुआ, चाहे वो 7th मार्च हो, चाहे 10th दिसंबर हो, चाहे 14th मार्च हो, हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। और इसी के लिए मेरे को दिल चाहते थे, जैसे मैं किसान आंदोलन के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था, 14 डेज हम धरना किया था, इसी के लिए मेरे दिल कभी कभी चाहते थे कि कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। पिछले 5 साल से ममता के लिए बहुत कुछ बदल गया है। 2016 में उन्होंने जब भवानीपुर से पर्चा भरा था तब मुकुल रॉय उनके साथ थे। अब चुनावी खेला में मुकुल रॉय बीजेपी के बड़े खिलाड़ी। ममता ने दक्षिण कोलकाता की अपनी भवानीपुर सीट को छोड़कर अधिकारियों के गढ़ नंदीग्राम को चुना है। इसकी एक वजह आंकड़ों में छिपी है। दरअसल ममता बनर्जी ने भवानीपुर से 2011 का चुनाव 54,000 वोटों के मार्जिन से जीता था, लेकिन 2016 में उनकी जीत का अंतर घटकर 25,000 रह गया था। भवानीपुर में गैर बंगाली हिंदू वोटर्स का गुस्सा और मुस्लिम वोटों में बिखराव की वजह से ममता का जनाधार कम होता गया। इस मुसीबत को ममता ने मौके की तरह बदला और नंदीग्राम चली गईं। और अब नंदीग्राम में उन्होंने न केवल पूरी ताकत झोंक दी है बल्कि हिंदू कार्ड भी खेल दिया है। हल्दिया से सूर्याग्नि रॉय और चित्रा त्रिपाठी के साथ अनुपम मिश्रा, नंदीग्राम आज तक। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने हिंदू कार्ड खेला। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ममता की इस राजनीतिक चाल को लेकर बड़ा हमला बोला। बीजेपी को ममता में आया ये परिवर्तन अब जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बीजेपी उल्टा ममता पर आरोप लगा रही है। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमस्तुते। क्या बंगाल के औद्योगिकरण में वो परिवर्तन आया जितना उसका सामर्थ्य है? क्या दशकों से चली आ रही खून खराबे की राजनीति में परिवर्तन आया क्या? परिवर्तन होगा, अरे बांग्लाय परिवर्तन होगी ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस साथ में, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। बंगाल में परिवर्तन होगा या नहीं ये 2 मई को साफ होगा, लेकिन विचारधारा में रातों रात परिवर्तन कमाल का है। भारत माता की। लेफ्ट का समर्थन करने वाले मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वही जय श्री राम पर भड़कने वाली मुहर्रम के जुलूस की वजह से दुर्गा विसर्जन को रोकने वाली ममता नामांकन से पहले शिव मंदिर में पूजा पाठ करती हैं।
नंदीग्राम पहुंचते ही मंच से चंडी पाठ करती हैं। ओम जयंती मंगला काली भक्त काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते मधुकैटव विद्याभ्य पिधात्री परदे नमो उपंग देहि जयंग देहि जशो देहि दिशो जयी महिषासुर निनाश विधात्री परदे नमो उपंग देहि जयंग देहि जशो देहि दिशो जयी। फिर तीन तीन मंदिरों में दर्शन करती हैं। यही नहीं, महाशिवरात्रि के दिन यानी कल कोलकाता से टीएमसी का घोषणा पत्र जारी करने वाली हैं। बाहर निकल रही है, ये देखिए सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन यहाँ पर दीदी स्वीकार करती हुई, भारी तादाद में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और दीदी अब मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से ममता बनर्जी अब मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। आगे की ओर भारी तादाद में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए आई हैं और सभी का हाथ जोड़कर यहाँ पर अभिवादन ममता बनर्जी स्वीकार करती हुई नजर आ रही हैं। इस परिवर्तन के साथ वो मजार पर चादर भी चढ़ाती हैं। ये परिवर्तन बीजेपी को चुभ रहा है। भले ही बीजेपी के बड़े नेता भी बंगाल में मंदिर मंदिर गए हों, लेकिन वो ममता को चुनावी हिंदू बता रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी ममता का हिंदू कार्ड पसंद नहीं आया। लेकिन मैं तो कहता हूँ बाहर मोदी आपने कमाल किया, गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी को कोट पर जनेऊ पहना दिया, मंदिर मंदिर घुमा दिया और बंगाल के चुनाव में दीदी को, जो दीदी कल तक मूर्ति विसर्जन में कोट का सहारा हिंदुओं को लेना पड़ रहा था, आज कह रही है मैं भी हिंदू हूँ। बाहर मोदी ममता बनर्जी की घर घर जाके ये कहने पड़ती कि मैं ब्राह्मण हूँ। पिछले दिनों ने वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। हिंदू कार्ड खेलना ममता के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है। नंदीग्राम में 35% मुस्लिम वोट है और करीब 65% हिंदू वोट। ममता को ज्यादातर मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है। हिंदू कार्ड खेलकर वो 65% हिंदू वोट अपनी झोली में डालना चाहती हैं। ममता जानती हैं कि अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो शुभेंदु का पलड़ा भारी हो जाएगा। दूसरी तरफ शुभेंदु भी पीछे नहीं है। उनके इलेक्शन ऑफिस में भारत माता की पूजा हुई, वहीं जय श्री राम का नारा बुलंद करने वाले नेता बजरंग बली की शरण में भी पहुंचे। देखिए पूरा 10 साल तुष्टीकरण का राजनीति करा, वोट बैंक का राजनीति करा, उसका बाद जब देखा है तुष्टीकरण का राजनीति पश्चिम बंगाल में विफल होना शुरू हो गया लोकसभा चुनाव का दौरान, इसलिए आपने वोट बैंक खिंचक रहा है वो फिर सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहा है। शुभेंदु ने ममता के चंडी पाठ में उच्चारण दोष का मुद्दा उठाया है। वहीं बीजेपी ने ममता के कथित गलत पाठ के लिए सही उच्चारण का वीडियो जारी किया। हमें एक चंडी पाठ करी नंदीग्राम में चुनावी महासंग्राम है और इस लड़ाई को जीतने के लिए सारे दांव आजमाए जा रहे हैं। ममता हिंदू कार्ड खेल रही है तो बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का दाग धोने की कोशिश बता रही है। इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, आज तक।